स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर लीड स्कूल टुडेज टॉपिक दैट इज़ फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी और इविल, यानी वो हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए ख़तरा भी बन सकता है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. यू कैन यू हैव सीन दैट पिक इन योर वीडियो. इन फर्स्ट पिक द व्हील एंड द ब्रेक्स आर स्ट्राइकिंग विद ईच अदर एंड स्टॉप द आवर व्हीकल. दिस इज़ द हेल्पफुल अस, बट वैन इट अटैच विद द टायर, अगर टायर के साथ अटैच होगा तो टायर क्या हो जाएगा, वियर हो जाएगा, यानी वहाँ से टूट जाएगा, फट जाएगा. बट सेकेंड थिंग में हमें क्या बताया हुआ, हम रन कर रहे हैं हमारी फिट का और ग्राउंड के साथ क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन हो रहा है. फ्रिक्शन हमें हेल्प क्या कर रहा है, हमें स्लिप होने से बचा रहा है, यानी हमें फिसलने से कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन बचा रहा है. तो इन फर्स्ट पिक फ्रिक्शन इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, दैट इज़ इविल. एंड इन सेकेंड पिक फ्रिक्शन इज़ यूजफुल टू अस, दैट इज़ द यूजफुल, दैट इज़ नेसेसरी फॉर अस. वी आर ग्रीपिंग अ ग्लास ऑफ वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ आ फ्रिक्शन. हम कोई भी चीज़, अगर मैं यहाँ पर पेन के थ्रू अगर कुछ लिखना चाह रही हूँ, यानी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है पेंसिल से, वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, वी कैन नॉट राइट समथिंग ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल. सो दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर अस, दैट इज़ फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो यूजफुल अस टू राइट समथिंग ऑन द पेपर एंड फॉर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. सो दीज आर द यूजफुल थिंग्स, दैट इज़ वी कैन ग्रिप एन ऑब्जेक्ट ईजिली. हम कोई सी ऑब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ पाते हैं, वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. हम अगर कोई, हमारी बाइक है या हमारी कार है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, अगर उसको हमने स्लो डाउन करना है तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे. वो ब्रेक किसकी, किस मेथड पर काम करते हैं, फ्रिक्शन के मेथड पर काम करते हैं, और हमारा व्हीकल क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है. थर्ड थिंग इज़ कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लिख रहे हैं, वो किसकी हेल्प से लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं. लास्ट वन इज़ ठंड में हम अपने हाथों को रैपिडली क्या करते हैं, रब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, वो भी किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से. सो दीज आर द नेसेसरी फॉर अवर फ्रिक्शन, जो हमारी लाइफ में क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए. एंड दिस इज़ द इविल, यानी हमारे लिए खतरा भी बन सकता है. फर्स्ट वन, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को हम रोड के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, मान लो ये आपको पिक नज़र आ रही है, पिक के अंदर ये क्या कर रहे हैं कि रोड के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, किसको, कार को. बट रोड क्या होगी, रफ सरफेस होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, और मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये चीज़ क्या है, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज है. सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पर आपको मशीन के बीच में जो पार्ट्स हैं, अगर वहाँ पर टाइम टू टाइम हम ऑयलिंग नहीं करेंगे, वो आपस में रगड़ खा कर क्या हो जाएंगे, टूट जा सकते हैं. तो ये भी क्या, एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन की. थर्ड थिंग आपको नज़र आ रहा है कि आप डेली रूटीन में चप्पल या शूज़ डालते हो, या तो उसकी वो भी क्या हो जाते हैं, दो तीन हफ्ते बाद, यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाते हैं, घस जाते हैं, उनमें होल्स हो जाते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से. लास्ट वन जो अभी हमने किया था, ओवर हीटिंग, यानी ज़्यादा देर तक अगर हम किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, उसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है, और वियरिंग और टीयरिंग हो जाती है, यानी हमारी कार भी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, या कोई भी हमारे पास थिंक है जो ज़्यादा देर तक हम रब कर रहे हैं, वो भी क्या हो सकती है, ख़राब. जैसे आप मैचस्टिक को क्या करते हो, रब करते हो, मैचस्टिक को जब उसके सरफेस के साथ रब करते हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, फायर प्रोड्यूस होती है. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन. सो हाउ कैन वी डिक्रीज द फ्रिक्शन, यानी हमारे लिए जो डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन की, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो किस लिए हमें कम करना है, क्योंकि क्या कि हमारी जो वियर और टीयर है वो कम हो जाए, जो बॉडी का मोशन है वो रेगुलर चलता रहे, जो हीट जनरेट हो रही है वो कम से कम हो. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो भी सरफेस का है उसको हम स्मूथ बना देंगे. स्मूथ बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस. हम क्या कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं. ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, वो थिंग होती है जिसके थ्रू क्या हो जाता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है. जैसे आप ऑयल का यूज़ कर सकते हो, पाउडर का यूज़ कर सकते हो, इनके थ्रू क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है. तो दैट इज़ द ल्यूब्रिकेशन. और हम क्या कर सकते हैं, रोलर्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी हम पहिए जो होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं. वो क्या करेंगे, व्हील्स और बॉल्स क्या करेंगे, जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देंगे. सो व्हाट इज़ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स द सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट, जो फ्रिक्शन को कम कर देती है, दैट इज़ द लुब्रिकेंट. जैसे हम मशीन्स के अंदर क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अगर हम कैरम खेलते हैं तो कैरम के अंदर हम क्या डालते हैं, पहले अप्लाई करते हैं पाउडर, अप्लाई करते हैं. वो पाउडर क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि टू सरफेस होती है. फर्स्ट सरफेस क्या होता है, जो हमारे पास कैरम का बेस है. सेकेंड सरफेस क्या होगा, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी जो उसके अंदर हम बॉल्स यूज़ करते हैं वो. इन दोनों के बीच में सरफेस के अंदर कोई भी अगर सब्सटेंस नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत
ज़्यादा हो जाएगा, बट जैसे ही हम उसके अंदर क्या अप्लाई करते हैं, पाउडर अप्लाई करते हैं, पाउडर अप्लाई करने की वजह से अब देखो जो हमारे पास स्ट्राइकिंग वाला सरफेस है और जो नीचे हमारा कैरम का सरफेस है वो क्या हो गया, उसके बीच में एक सरफेस आ गया, दैट इज़ द पाउडर, जो क्या कर रहा है कि सर जो फ्रिक्शन है इन दोनों सरफेसेस के बीच में उसको कम कर रहा है और जो स्लाइडिंग है हमारे स्ट्राइक की वो क्या हो जाएगी, स्मूद हो जाएगी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ भी करेंगे ताकि क्या है, जो हम शूज़ वगैरह या टायर्स हमारी गाड़ी के अंदर है उनको क्या करें, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करें और उसके अंदर क्या हो कि हम उसको कंट्रोल में रख सकें। अगर मान लो आप अपने शूज़ या आप अपनी चप्पल देखोगे उसके नीचे आपको एक डिज़ाइन मिलेगा ऑलवेज़, क्यों, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो क्या हेल्प करता है, फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प कर सॉरी फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ताकि आपका जो पैर है वो क्या ना हो, स्लिप ना हो, सेम एज इन द टायर। टायर के अंदर आप हमेशा क्या देखोगे कि डिज़ाइन देखोगे, वो डिज़ाइन इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो, जो आपका व्हीकल है वो स्मूथली मूव कर सके और उसके अंदर फ्रिक्शन इतना अप्लाई हो कि आपका व्हीकल क्या है उसमें स्लिप ना करे किसी भी जगह पर। सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं किसके थ्रू, रोलिंग के थ्रू। हमारी जो थिंग है, यानी आप एक चीज़ देखोगे, आप एक बुक लेना, बुक को एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करना वो बहुत ही मुश्किल से स्लाइड होगी, बट जैसे ही आप उसके नीचे 3 या 4 पेंसिल या पेन लगाओगे उसको रोल करोगे वो ईजिली क्या हो पाएगी, रोल हो पाएगी, कम फोर्स के साथ ज़्यादा मूव करेगी। क्यों, क्योंकि क्या जो रोलर्स थे उसके नीचे ने क्या कर दिया, फ्रिक्शन को कम कर दिया और जो क्या था मूवमेंट इजी हो गई। एंड स्लाइडिंग आपको पता है, किसी भी आप जब स्कूल में थे या आप कभी पार्क में जाते हो, आप स्लाइड्स करते हो, स्लाइड्स के अंदर जैसे ही आप उसके ऊपर बैठते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो अब आपकी बॉडी रुकती है, अदरवाइज आप इजीली क्या कर पाते हो, उसके ऊपर स्लाइड करते हो। सो दिस इज द टू टाइप टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टू डेज टॉपिक।